मशीन के अंदर जाकर के जो जनरेटर और मोटर्स होते हैं उनके बारे में आप लोग को जानकारी देने के लिए एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं, उसको तो आप लोग देखिएगा। अब हम नीचे से इस मशीन के बारे में बता रहे हैं, इसके बारे में हम कुछ बोले बताए उसके पहले हम आप लोग को कुछ जानकारी देना चाहते हैं कि माइनिंग में, ओपन कास्ट माइनिंग में हम चार तरीके के मशीन का इस्तेमाल करते हैं। एक को बोलते हैं एक्सकवेटर्स और लोडिंग मशीन, दूसरा होता है ट्रांसपोर्टिंग इक्विपमेंट जो मटेरियल को लोड लेकर के जाते हैं, तीसरा होता है आपका रोड मेकिंग और मेंटेनेंस के लिए मशीनरीज, और चौथा होता है ड्रिल मशीन। अभी हम देख रहे हैं आप लोग को हम बीच में भेजते रहेंगे सारे इक्विपमेंट का वीडियो डायरेक्ट फील्ड से भेजेंगे। हम देख रहे हैं एक्सकवेटर्स, एक्सकवेटर्स में भी अलग अलग टाइप्स है, ठीक है, उतना हम डिटेल में अभी यहाँ नहीं बात करेंगे, हम क्लास में बताएंगे। जैसे आपका एक्सकवेटर में हम कुछ नाम बता दे रहे हैं, आपको कुछ नाम बता रहे हैं, सब नहीं बताएंगे यहाँ। सावेल है, सावेल के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, आपका ड्रैग लाइन है, बकेट व्हील एक्सकवेटर है, सरफेस माइनर है, स्क्रेपर है, रिपर है, ठीक है, फ्रंट एंड लोडर है जिसको हम आम भाषा में पेलोडर बोलते हैं, पेलोडर का टेक्निकल नाम फ्रंट एंड लोडर है। आप ये एक मशीन देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं मशीन, ये सावेल का एक टाइप है, इसको रोप सावेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका बकेट का अटैचमेंट जो है रोप से, इसलिए रोप सावेल बोलते हैं। ये इलेक्ट्रिकली ड्रिवन है, इसको इलेक्ट्रिकली सावेल भी बोलते हैं, एक सावेल है। आप देखिएगा इसको, ये जो है ये अरेंजमेंट को हम बोलते हैं बकेट। हम इधर सामने से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, हम सामने से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, ये है बकेट, ये बकेट है। इसी में हम इस टाइप की क्राउडिंग ऑपरेशन करके ऐसा बकेट लगा के भरते हैं मटेरियल, ये बकेट हुआ, इस बकेट को डिप्पर भी बोलते हैं। और ये जो अरेंजमेंट है कि यहाँ से लेके वो ऊपर तक का ये वाला, इसको डिपर स्टिक या डिपर हैंडल या सिंपली डिपर बोलते हैं, ठीक है। और ये रोक हुआ जो बकेट को ऊपर नीचे करने के लिए काम आता है। अब देखिएगा ये जो हम स्टिक दिखा रहे हैं इसके ऊपर में देखिए वहां पे क्या है, उसको सेडल ब्लॉक बोलते हैं। और ये चक्री टाइप का जो जिसमें दांत दांत लगा टीथ है वो क्राउड मैकेनिज्म के लिए, और उसी के साथ वो क्राउड मोटर है जो हम अंदर से आप लोग को एक पिछला वीडियो में बता रहे थे। और ये जो है ये दो टाई रॉड है, एक इस तरफ है एक उस तरफ है। और ये जो है ये पूरा ऊंचा ऊपर तक का देखिए, इसको बोलते हैं बूम। ये क्या हुआ बूम, ये आपका ट्रैक्शन है, हम उस तरफ से आपको ट्रैक्शन के बारे में बढ़िया बताएंगे। ये है आपका मोटर है, प्रोपेल मोटर है, ठीक है, इस ट्रैक्शन के बारे में बताने जा रही है। देखिए ये जिनमें दांत दांत लगा होता है, कभी ख्याल रखिएगा नए बच्चे लोग, ये जिसमें दांत दांत, इसको स्प्रॉकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्प्रॉकेट बोलते हैं। ये रोलर है, ये रोलर है, ये रोलर है, और ये जो सबसे लास्ट में है ये भी रोलर ही है, बट इसको आइडलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइडलर बोलते हैं, ठीक है। तो ये सावेल मशीन है जिसको हम कोल या ओबी उठाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो जो बकेट दिखा रहे हैं वो बकेट का कैपेसिटी आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग रहता है। ये जो आप बकेट देख रहे हैं ये 4.6 क्यूबिक मीटर है, ठीक है, मतलब मोटा मोटी इसको हम आम भाषा में 5 क्यूबिक मीटर बोलते हैं, लेकिन 4.6 है। ये अलग अलग आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आता है, जितना बड़ा बकेट होता ही चले जाएगा आपका सावेल भी बड़ा होगा। यदि बोलता है बड़ा बड़ा सावेल इस्तेमाल कर रहा है, दैट मीन्स आपका बकेट साइज ज्यादा है। तो ये सावेल का जनरल डिस्क्रिप्शन हुआ, इसको हम आपको क्लास में बारीकी से बहुत लंबा चौड़ा बताएंगे, लेकिन जब आप ओरिजिनल पिक्चर देख लेते हैं तो क्लास में जब कुछ चीजों को समझाएंगे तो आपको समझने में इजी हो जाएगा।